सो फाइनली हमारा जो रियलमी सी एलेवन है वो फिर से रिकवर हो चुका है, या फिर कह सकते हैं वो पहले डेड था, अभी डेड फ़ोन भी ज़िंदा हो चुका है। तो यार अभी मैं क्या बताऊँ, तो पूरी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो थोड़ी बहुत मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर एक वीडियो तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो जाके इस वाली वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी प्रॉब्लम बताई थी, और जैसा कि आप सभी को पता है प्रॉब्लम होने के बाद मैंने ट्राई करा सर्विस सेंटर, बट लॉकडाउन पर सर्विस सेंटर बंद ही रहते हैं, और यहाँ पर सर्विस सेंटर भी यार लगभग काफ़ी दूर है तो जाने में बहुत टाइम लगता है, और फिर से लॉकडाउन भी पड़ चुका है तो गाड़ियाँ बंद होने की वजह से यार मैं सर्विस सेंटर पे जा भी नहीं सकता। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास आ चुकी थी, तो तभी मैंने सोचा चलो एक बार हम कस्टमर केयर पर फ़ोन करके देख वो क्या बताते हैं, उसको एक बार फॉलो करके भी देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कॉल सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उनसे कहा यार कॉल सर्विस क्या है, तो कॉल सर्विस के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा। कॉल सर्विस भी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने जब फ़ोन लगाया था तो उसके 2 दिन बाद ही कुरियर बॉय भी आ गया था मेरा सर्विस लेने के लिए। तो मैंने वहाँ पर सी एलेवन दे दिया उनको, और फिर उन्होंने बताया कुछ समय लगेगा और फिर मैं वापस आपको ये रियलमी सी एलेवन दे दूँगा आपका जब ठीक हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। तो तभी मैंने उसको फ़ोन दे दिया, एंड लगभग 20 डेज़ के बाद, हाँ 20 डेज़ के बाद मेरे पास अभी फ़ोन आ चुका है। तो फ़ोन डिलीवर होने से पहले एक दिन पहले ही मैंने कस्टमर केयर पर फ़ोन किया कि यार मैंने अपना जो रियल मी सी एलेवन है वो सर्विस के लिए दिया था, तो आपने वो सर्विस कराया नहीं। तो उन्होंने वहाँ पर मुझे एक नंबर दिया, तो वो सारी चीज़ें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बता दूंगा, तो यार टेंशन मत लेना। और उन्होंने जो नंबर दिया था उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि यार आपका फ़ोन कहाँ पर अभी है। तो मेरा जैसे कि अभी लोकल में ही आ चुका था, मेरा वहाँ पर लोकेशन दिखाई दे रहा था, और मैंने वहाँ पर सोचा 2 दिन बाद ही आ जाएगा, बट उसके बाद ही यार उसके नेक्स्ट डे ही मुझे वो फ़ोन सर्विस करके उन्होंने मुझे दे दिया। और वहाँ पर कुरियर बॉय भी आया था, तो यार उन्होंने मुझे एकदम पैकेजिंग के साथ दिया है। पैकेजिंग का वीडियो भी मैंने शूट करा था जब वो आया था, 2 दिन पहले ही आ चुका था, बट शादी होने की वजह से यार मैं थोड़ा रुका हुआ था कि वीडियो अपलोड मैं बाद में करूँगा। तो इसीलिए यार एडिटिंग फेडिटिंग अभी होने के बाद यह वीडियो अपलोड हो रहा है, और उन्होंने कैसा सर्विस किया या फिर सर्विस करने के बाद फ़ोन कैसा दिख रहा है, क्या ठीक हुआ या नहीं, सब बताएंगे। तो यार वीडियो पर अंत तक बने रहना, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे बंदे हमें देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लेना। सो फाइनली जैसा कि अभी देख सकते हैं यार यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, तो इसको अभी हम कट करेंगे। कट करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं इस तरीके का उन्होंने पैकेजिंग करके दिया है, और पैकेजिंग यार मैं सच में इंप्रेस हो गया एक पैकेजिंग देख के, क्योंकि नया फ़ोन के साथ भी इतना पैकेजिंग नहीं आता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा इसको कट करना पड़ेगा, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर हम फटाक से इसको कट कर देते हैं और फिर हम आपको अंदर में दिखाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको ओपन करते हैं, और यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये सर्विस फ्री में कर दिया, मतलब एक भी रुपया चार्ज नहीं लगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। एक भी रुपया मुझे यहाँ पर देना नहीं पड़ा है, और ऊपर से मेरा जो फ़ोन था तो वो लगभग डेड ही हो चुका था, मतलब डेड के 99% मेरा फ़ोन डेड ही हो चुका था। मैं उस पर ना कुछ कर पा रहा था या फिर ना कुछ मैं उस पर चला रहा था, सिर्फ एक ही स्क्रीन आ रहा था रिकवरी मोड पर। और यहाँ पर मुझे एक डर भी था कि यार मैं जो रिकवरी मोड मतलब इंस्टॉल करने वाला था, मतलब कस्टम रिकवरी मोड जो मैंने इंस्टॉल करा था, तो उसको मैंने रूट करा था फ़ोन को। तो रूट करने के बाद क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो वारंटी है ना, तो वो काम पे नहीं आता, इसीलिए वो डर भी था, बट वो डर अभी निकल चुका है। उन्होंने कहा कि यार सर्विस हो चुका है, तो बेसिकली अभी चलिए देखते हैं ये सर्विस होने के बाद ऑन होता है या नहीं। और यहाँ पर हम उसके बाद आपको इंटरफेस भी दिखाएंगे रियल मी सी एलेवन का, और जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अभी भी है। और बात करते हैं अभी फ़ोन की, तो जैसे कि अभी देख सकते हैं उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोटिस करा कि जो ग्लास था ना, मैंने जो ग्लास लगाया था एक 150 रुपये वाला, वो उन्होंने मतलब पता नहीं वो ग्लास अभी है या नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर भी ग्लास नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये बहुत ही चमकीला दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ सारी चीज़ें की, तो यार ठीक ठाक है, उन्होंने थोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं चमका दिया फ़ोन को। तो बेसिकली अभी पेपर से इसको हम निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो हम अगर ओवरव्यू की बात करें तो यार सिंपल सा मेरा जो फ़ोन है तो वो सर्विस होके आ चुका है, और यहाँ पर आई थिंक चार्जिंग, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा ये। तो चलिए एक बार हम अंदर भी देख लेते हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ भी चार्जर फार्जर वो नहीं दिया था, सिर्फ आपको फ़ोन ही देना है। आप अगर कॉल सर्विस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ फ़ोन ही मांगा जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही मेन चीज़ होती है। तो अभी हम यहाँ पर चार्जर भी लगा के देखेंगे कि हमारा फ़ोन ओपन होता है या फिर रिकवरी मोड पर ऑन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि अभी देख सकते हैं हमारा फ़ोन आई थिंक, हाँ भाई भाई सही है भाई एकदम। अभी क्या बताऊँ यार, लिटरली मुझे अभी इंटरफेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये फ़ोन अभी रिकवर हो चुका है।
जब मैं पहले इसको चार्जिंग पर लगाता था तो तभी वहाँ पर मुझे ये चार्जिंग का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वहाँ पर वो अलग ही मोड पर चला गया था। और यहाँ पर भी जैसे कि देख सकते हैं कस्टम रिकवरी मोड ओपन नहीं हो रहा है। सो फाइनली जैसे कि अभी देख सकते हो हम बाहर पे आ चुके हैं और यहाँ पर फ़ोन हमारा बिल्कुल ही रिकवर हो चुका है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इंटरफेस सब कुछ सही है। और यहाँ पर मैं 2 दिनों से टेस्ट कर रहा था कि यार सही है या नहीं, तो बिल्कुल ही ये काम कर रहा है। तो बेसिकली ये रहा इंटरफेस और सब कुछ ठीक ठाक है, कैमरे एप्लीकेशन सभी चल रहे हैं। तो रिकवर होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर हार्डवेयर पर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो। तो फ्री में हो चुके थे यार, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आप भी कॉल सर्विस को यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो। यार चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।